1 लाख का टैक्स निकाल। इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। मनी माइंडेड मनदीप, यार बहुत बुरा सपना आया कि मैंने टैक्स प्लानिंग नहीं की और मुझे बहुत सारा टैक्स भरना है। तो तूने नहीं किया क्या? यार सेक्शन 80C में PF तो क्लेम कर लिया और बाकी सब चीजों में तो बहुत टाइम है अभी। लगता है तेरा सपना बिल्कुल हकीकत में बदलने वाला है। जरूरी काम को क्यों डिले कर रहा है? वैसे भी 70% इंडियन सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल दूर है वापस गरीब होने से। मेडिकल इमरजेंसी बताकर तो आएगी नहीं, और जब आएगी तो 10-12 लाख रुपए का चपत लगा के जाएगी। एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले ले जिसमें तू, भाभी, बच्चे सब कवर्ड है, और 25,000 के प्रीमियम का तो टैक्स डिडक्शन भी मिल जाएगा। ऊपर से मम्मी पापा का ले लिया तो 25,000 का और मिल जाएगा, और मम्मी पापा 60 से ऊपर है तो 50,000 तक के प्रीमियम का टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो मिनिमम 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। तो फिर कौन सी कंपनी से लूं? अब ये चीज हर कंपनी ने जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बना रखी है ताकि हम गलती से गलत पॉलिसी ले लें। इसलिए मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाया, वो देखे बिना मत लेना। उसका लिंक दिया है नीचे टॉप कमेंट में। एक और लिंक दिया है जहां पर आप सारी कंपनीज की पॉलिसीज को कंपेयर भी कर सकते हो प्रोज एंड कॉन्स के साथ, वो भी चेक कर लेना।